हेलो, हेलो। मैं बोल रहा हूँ, ये आपका ये राशन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे मेरे को मिला है। ये कौन हो आप? पूजा पूजा टीकादार हो क्या? गाइस सामने आ रहा है, ठीक है। मेरे को तो लगी तो बहुत सुंदर लड़की है यार। भी हो ना पूजा टीकादार? ये देखो, ये पर्स किसका है? ये मेरा है, 2 दिन पहले खो गया था। कहाँ पे मिला था? हाँ, वो मैंगो फॉरेस्ट पे, जब मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी। हाँ, वहाँ पे भी गया था, तो मुझे तो लगा मुझे आज मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे एक पर्स है शायद। सुसु वगैरह कर दिया क्या कुत्ते ने? ये चेक करो। अरे पूजा टीकादार। अरे भाई ये तो गाइस राशन कार्ड लगता है। एंड चलो फिर मिलते हैं। अरे ये किसका नंबर है? आपका ही नंबर है क्या? अच्छा हाँ, मैंने देखा वो एक नंबर था, फाइनली एक नंबर था। और मैं तो सोच रही थी कि ये पुलिस को दे के चले जाते फिर घर, ये ड्यूक 200 में रखूँ या फिर अपनी जो ओल्ड बाइक है अपनी स्वीटी भाई उसको वापस लेके आऊँ। एंड बहुत ज़्यादा मन भी ख़राब है कि भाई स्वीटी को मैंने दे दिए हैं, मैंने बेच दिए हैं। ठीक है, साउंड चेक करो भाई। तो हिट करता ना भाई ऐसे, लिमिटर ये हिट करता है ऐसे, मक्खन की तरह स्पीड पकड़ता है। देख सकते हो भाई राइड करना इतना ज़्यादा आसान है एंड इतना कॉम्पैक्ट सा बाइक है ये, मैं क्या बताऊँ भाई। राइड ये इसको राइड करने का मज़ा ही नेक्स्ट लेवल है भाई। ये बोलने की चीज़ नहीं है गाइस, ये नेक्स्ट लेवल सी चीज़ है। ठीक है, तो हे गाइस गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। फिलहाल इन दिनों में क्या कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में गाइस क्या बताऊँ। एंड मैं अभी हूँ फिलहाल कुछ इस तरह की लोकेशन पर, जैसे कि देख पा रहे होगे भाई, मैं घर से इंट्रो लेना भूल गया, तो फिर यहाँ पे आके अचानक से पता चला कि इंट्रो तो लिया ही नहीं, तो यहाँ से ही आज वीडियो शूट करते हैं एंड अपना वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड ये चेक करो मेरे पास क्या है। आप लोग सोचे होगे कि अपने पास तो अपनी R15 अपनी स्वीटी हुआ करती थी, बट ये कहाँ से आ गया ड्यूक 200। तो बताते हैं गाइस सारा कुछ सीन। एंड आप लोगों की राय बहुत ही ज़्यादा नीडेड है, बहुत सारी बातें आज शेयर वगैरह करनी है, तो देखते रहो। मैं भी चलता हूँ सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे एंड सेटअप पे जाके बात वगैरह करते हैं गाइस। ये भाई क्यों है, कैसा है मेरे पास, थोड़ी देर बाद बताता हूँ गाइस। पहले हवा डलवा लेता हूँ। करो, ये सोच रहे होगे कि अपने पास R15 हुआ करती थी, ये ड्यूक 200 कहाँ से आ गई कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे अपना हवा डलवाना हो चुका है और आगे जाके कहीं पर रुकते हैं एंड काफ़ी सारी बातें जो वगैरह आज आप लोगों से करनी। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर है अपनी ड्यूक 200 की चाबी। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि भाई तेरे पास तो R15 V3 हुआ करती थी अब तेरी स्वीटी, बट अचानक से ये ड्यूक कहाँ से टपक पड़ी। तो गाइज ये बाइक ना, मैं जब बर्धमान वाले घर से लौटा था उसके बाद आई गेस 10-15 दिन हो चुके हैं ये बाइक मैंने ली है। तो आप लोग ये बोलो कि आप लोग कौन सी बाइक देखना पसंद करोगे भाई, कि ये ड्यूक 200 या अपनी ओल्ड जो स्वीटी है उस बाइक को आप लोग देखना पसंद करोगे भाई। क्योंकि देखो घर वाले ना बोल रहे हैं कि तेरी जो पुरानी स्वीटी है तो उसको वापस लेके आ। तो मैं अभी ऐसे ना मन ऐसा भरक गया है कि मैं क्या करूँ भाई, ये ड्यूक 200 में रखूँ या फिर अपनी जो ओल्ड बाइक है अपनी स्वीटी भाई उसको वापस लेके आऊं। एंड बहुत ज़्यादा मन भी ख़राब है कि भाई स्वीटी को मैंने दे दिए हैं, मैंने बेच दिए हैं। ठीक है, एंड देखते हैं गाइस, रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं एंड अगर हो सके, मेरे को नहीं लगता कि भाई वो बाइक वापस देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ सीन वगैरह बनता है गाइस। एंड क्या बताऊँ यार, ये ड्यूक 200 ना बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट सा बाइक है जैसे कि देख पा रहोगे भाई एकदम। ये अपना ग्रुप का ये बाइकर डी की बाइक एंड वो और एक नया बाइक परचेस करने वाला है भाई, दैट्स वाई मेरी बाइक को फोर क्लोज वगैरह कुछ करने की सोच रहा था एंड मैंने बाइक बेच दिया है। ठीक है, एंड फिर मम्मी जो बोल रहे हैं कि नहीं अपनी ओल्ड स्वीटी ही वापस लानी है भाई, तो तू लेके आ फिर मैं तेरे को ड्यूक 200 खरीद के दे देता हूँ भाई। तो ऐसी बात वगैरह बोल रहे हैं एंड घर पर सभी को ही बोल रहे हैं भाई कि अपनी जो पुरानी तेरी जो पुरानी बाइक है तो वो वापस लेके आ। एंड सब बोल रहे हैं कि भाई गांव के भाई तेरा पुराना बाइक ही बेस्ट था तो वो वापस लेके आ। एंड क्या करूँ, इतना ज़्यादा दिमाग का दही हो चुका है ना। और ये बाइक चलेगा इस 7000 किलोमीटर के करीब, मैं भी इसको लेके आया हूँ आज, ऑलमोस्ट लाइक 10-15 दिन हो चुके हैं, मैंने एक भी वीडियो वगैरह नहीं डाला था, बट आज सोचे चलो कि ये बात भी शेयर कर दी जाए क्योंकि आप लोग गाइज मेरा फैमिली हो।
समझ सकते हो भाई कि अब बताओ कि क्या करनी चाहिए, ये ड्यूक 200 अपने को रखनी चाहिए या फिर अपनी ओल्ड स्वीटी जो वो मैं वापस लाऊं भाई। एंड मम्मी जो है बोल रहे कि ओल्ड स्वीटी वापस ला, एंड पापा भी सेम बात बोल रहे हैं। तो मम्मी पापा का बात तो गाइस नहीं टाल सकते, दैट्स व्हाई मैं अभी सोच रहा हूँ, देखते हैं गाइस क्या कुछ सीन वगैरह बनता है। एंड मैं अभी जा रहा हूँ, एंड गाइज बाइक का ना एक बार साउंड वगैरह सुना देता हूँ, आप लोग ये चेक करो भाई। एंड ये ना पूरा नया जो 2024 वाला जो मॉडल है गाइज, वो नया लेटेस्ट वाला वर्जन है ये। एंड साउंड चेक करो भाई, एंड आप लोग ही बताओ भाई मेरे को अभी क्या करनी चाहिए। ज़रूर से कमेंट करना कि ओल्ड वाली या न्यू ये रखनी चाहिए, ठीक है। बताओ भाई, मेरा ना ऐसे सर फटा जा रहा है ये सब सीन देखे। एंड पूरा गाइस पूरा नई बाइक है एकदम, ठीक है, जस्ट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, दैट्स वाई समझ सकते हो भाई। एंड ये इतना इजी टू फन राइड है ना, ऐसे लिमिटर हिट करता है ना भाई, ऐसे लिमिटर ये हिट करता है, ऐसे मक्खन की तरह स्पीड पकड़ता है, देख सकते हो भाई क्या ही मक्खन की तरह ये स्पीड वगैरह पकड़ता है। दैट्स वाई ये इतना हल्का वे है ना, इसको राइड करना इतना ज़्यादा आसान है। एंड इतना कॉम्पैक्ट सा बाइक है ये, मैं क्या बताऊँ भाई, राइड ये इसको राइड करने का मज़ा ही नेक्स्ट लेवल है भाई, ये बोलने की चीज़ नहीं है गाइस, ये नेक्स्ट लेवल सी चीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैं ही सोच रहा हूँ कि इसको रखूँ भाई, क्योंकि पापा मम्मी अपने गाँव के कोई भी जो भी ऐसे देख रहे हैं ना, बोल रहे कि भाई तेरी ओल्ड बाइक सबसे बेस्ट है। ऐसा ना गाइस दिमाग ख़राब हो रहा है कि मेरे को पसंद है ये बाइक, क्योंकि मम्मी बोल रहे तू पहले वो बाइक ले कर फिर देखता हूँ भाई कुछ जुगाड़ करता हूँ। बताओ भाई कि ये बाइक मेरे को रखनी चाहिए या नहीं भाई। बात ऐसे सोच रहा हूँ कि मम्मी की बात मान लेनी चाहिए, और एक मन से सोच रहा हूँ कि यार रख लेनी चाहिए, ये बाइक अच्छा है एकदम, बहुत ही शानदार सा बाइक है ये। मेरे को ना बहुत ज़ोर से सुसु वगैरह आई है, बहुत टाइम से यार सुसु आई है ना। मैंगो फॉरेस्ट जैसे कि देख पा रहे होगे भाई, काफ़ी खतरनाक 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 है। एंड ये जगह इतना ज़्यादा ठंडी भी सुसु करते हैं। एंड उसके बाद गाइज आप लोगों से मिलते हैं यार, पहले सुसु कर लें अपना, सुसु हो चुका है। एंड ये देखो गाइस कितना बड़ा बड़ा आम लगे हुए हैं, क्या ही खतरनाक वाले आम लगे हुए हैं भाई। एंड इस यहाँ पे ना रात में इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो बियर की बोतल वगैरह पार्ट्स वगैरह व्हाट पड़े हुए, क्या पार्ट्स वगैरह पड़ी है ये चेक करो गाइस। ऐसे दारूबाज लड़के ना ऐसे आते हैं एंड यहाँ पे ऐसे बियर की बोतल वगैरह फोड़ के चले जाते हैं। एंड यहाँ पे एक पर्स है शायद, सुसु वगैरह कर दिया क्या कुत्ते ने? रुको जरा, सबर करो भाई साहब। ये देखो गाइस क्या लग गया है यार यहाँ पे, पैसे वैसे मिल जाए पता ही गाइस, खाली हो गाइस को रखते हैं, कुछ तो था इसमें। रुको 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 रुको, कुछ तो था इसमें। अबे भोसड़ी के, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो। अरे पूजा टीकादार। अरे भाई ये तो गाइज राशन कार्ड लगता है। एंड ये तो वो क्या बोलते हैं पैन कार्ड वगैरह लगते हैं। देख लेते हैं गाइज और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो किसी का गुम हो चुका है गाइज, पूजा टीकादार। अरे बाप रे, ये तो गाइज वोटर आईडी कार्ड है, ये चेक करो भाई, ये क्या सीन है। रुको पहले और कुछ है क्या यहाँ पे, देख लेता हूँ भाई। अरे बाप रे बाप, ये क्या मिला यहाँ पे, ये क्या मिला यहाँ पे गाइज, इस साइड पे पड़ा हुआ था। एंड क्या कीचड़ वीचड़ इसे। एंड यहाँ पे देख सकते हो कांच की बॉटल्स वगैरह है, यहाँ पे नहीं रहते और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। अरे मैं तो ऐसे फेंक दिया था इसे, कुछ नहीं है समझ के मैंने फेंक दिया था। बट ये चेक करो भाई, ये चेक करो, पैसे वगैरह भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन। अरे बाप रे बाप, ये चेक करो गाइस, ये तो पैन कार्ड का लगता है शायद से। हाँ यार ये क्या चीज़ है, ये बहुत कीमती चीज़ है गाइस, कुछ पैसे 10 रुपये पड़े हुए हैं। अरे भाई साहब और कुछ, बट ऐसे इसमें नंबर होता है क्या, तो मैं कॉल कर लेता हूँ। नहीं यार इसमें तो कोई नंबर्स वगैरह नहीं है, देख सकते हो भाई कोई नंबर नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये तो वोटर आईडी कार्ड है। एंड ये गाइस वोटर आईडी कार्ड। एंड ये चेक करो, ये है पैन कार्ड गाइज,
और ये वो राशन वगैरह इससे ही मिलता है। अरे बाप रे, यहाँ पे इस जगह पड़ा हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये क्या सीन है। अभी पता नहीं ये एक लड़की का है गाइस, फ़ोटो वगैरह देख रहा हूँ। अगर यहाँ से मिला है तो मैं काम करता हूँ, ये गाइस जाके सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जमा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं क्या कुछ सीन वगैरह है। एंड यहाँ पे पैसे वगैरह नम और क्या, ये किसी का नंबर है, उसका बॉयफ्रेंड वगैरह का। काम करता हूँ गाइस, सबसे पहले इसको ना कॉल कर लेता हूँ एक बार, कैसे कॉल कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे रख देता हूँ भाई। नहीं तो मैं ना पुलिस के पास चला जाता हूँ सीधा, ये जमा करके वापस चले आता हूँ भाई। ये देखो क्या चीज़ मिला, इसके ये घर वाले का नंबर है क्या और कुछ सीन है। रुको गाइस, सबसे पहले ना मैं एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद गाइस देखते हैं क्या कुछ सीन वगैरह यहाँ पर बनता है। हाइड कर देता हूँ गाइस। देखते हैं गाइस क्या कुछ बोलता है। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ ये आपका ये राशन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे मेरे को मिला है, ये कौन हो आप? पूजा पूजा टीकादार हो क्या? हाँ, आपको मेरे को ना ये एक मैंगो फॉरेस्ट तक यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, मैं फेंक के जा ही रहा था तब देखा कि इसमें आपका वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड एंड कुछ पैसे और ये वो क्या बोलते हैं पैन कार्ड वगैरह है इसमें। कहाँ पे रहते हो आप, घूम गया था कि ये? हाँ, दो दिन ना मैं गई थी वहाँ। हाँ, घूम तो गया, मुझे तो लगा मुझे मिलेगा ही नहीं, तो आप क्या वो मुझे दे सकते हो? हाँ जरूर से मैं दे सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि ये पुलिस स्टेशन में मैं जमा करवा देता हूँ, तो कहाँ पे रहते हो आप? गोदुली लॉज है ना। कहाँ पे गोदुली लॉज, कहाँ पे? हेलो हेलो, गोदुली लॉज कहाँ पे है? आरंगाटा। अच्छा, आरंगाटा की साइड ही मैं जा रहा हूँ। आप क्या वो गोदुली लॉज के सामने आके मुझे दे सकते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ, मैं गोदुली लॉज के सामने आ जाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ लौटा देता हूँ। बट प्रमाण देना है, ठीक है, कि ये आपका ही है। चलो फोटो मैं देख लूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं जाके दे देता हूँ, ठीक है। हाँ ओके 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 ओके, ठीक है, फिर मैं आरंगड़ा जाके फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं लड़की का ही नंबर है क्या, उसके घर वाले का नंबर है गाइज, एंड ये उसके घर वाले का नंबर है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ भाई। एंड कुछ पैसे वगैरह हैं यहाँ पे, एंड इसको यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद चलते हैं गाइज आरंगाटा गोदुली लॉज कहाँ पे है। चलो सबसे पहले गोदुली लॉज जाके मैप पे देखते हैं कि गोदुली लॉज कहाँ पे है, एंड उसके बाद गाइज जाके हैंड ओवर करवाते हैं। ये क्या चीज़ मिला गाइज, यहाँ पे पड़ी हुआ था, यहाँ पे पड़ा था इस जगह पे, ठीक है। एंड ये जगह सेफ भी नहीं है गाइज, ये मैंगो फॉरेस्ट है, रात में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ गाइज रात। ये डॉक्यूमेंटेशन ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, ये वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह एंड राशन कार्ड, ये गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान किसको शायद यही मंजूर था भाई कि ये मेरे को मिले और मैं जाके लौटा दूँ उसको। अरे बाप रे बाप, ये तो नेक्स्ट लेवल से चीज़ है। चलो ऑलराइट गाइज, फाइनली मैं 12-13 किलोमीटर बाइक राइड करके मैं आ चुका हूँ फाइनली आरंगाटा के अंदर। मैं टी शर्ट गाइस पहन के आया हूँ, तो हाथ वगैरह ऐसे काला हो रहा है, सनस्क्रीन चाहिए गाइस, सनस्क्रीन ऐसे लगा के बाहर निकलना चाहिए था। एंड इसने धूप में भी ब्लॉग वगैरह बनाने का ना गाइस सोच सकते हो। एंड ये बाइक तो गाइस फन टू राइड है, ये तो 101% है। एंड मैं यहाँ पे ना कहीं पे किसी से पूछ लेता हूँ कि गोदुली लॉज कहाँ पे, उसने गोदुली लॉज ही गाइस शायद से बोला था, गोदुली लॉज, तो पूछ लेते हैं इस अंकल से। अंकल गोदुली लॉज कहाँ पे है, गोदुली लॉज? ओके थैंक यू। तो गाइस अंकल बोला है कि सामने से राइट मोड़ना पड़ेगा आपको। एंड आरंगाटा गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ जैसे कि देख पा रहे भाई। एंड यहाँ पे आता हूँ बहुत दिनों बाद ऐसे घूमने के लिए, ऐसे मेरे को नहीं मालूम कि भाई आरंगाटा इतना ज़्यादा मैं घूमा भी नहीं हूँ, सोच सकते हो भाई। एंड गोदुली लॉज मैप निकाल लूँ क्या, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। एंड एक बार कॉल कर लेते हैं कि गोदुली लॉज यहाँ से राइट, आगे जाके राइट बोला था
भैया गोधूली लॉज कहाँ पे है? गोधूली लॉज, थैंक यू। तो गाइज ये वाला रोड नहीं, वो सामने वाला रोड से आपको राइट जानी पड़ेगी, फिर आएगा गोधूली लॉज। कहीं जाना है उस पर, मतलब यहाँ से नहीं दूसरी रूट से, बट मैं आ चुका हूँ आरुंगाटा, इस रूट से आगे गोधूली लॉज। गोधूली लॉज एंड गाइज यहाँ पे कहीं पे गोधूली लॉज, ये रहा गाइज गोधूली लॉज, ये चेक करो गाइज, ये रहा गोधूली लॉज। यहाँ पे आने के लिए बोला था, चलो यहाँ पे एक बार ना कॉल कर लेते हैं, ये चेक। हेलो, हाँ मैं पहुँच चुका हूँ गोधूली लॉज पे, आप कहाँ पे हो? मैं आ रही हूँ, रुको। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आना, बहुत गर्मी है ना। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी करना, ठीक है, मैं बाइक पे आया हूँ। ठीक है जल्दी आओ। तो गाइज यहाँ पे फाइनली मैं कॉल कर दिया हूँ भाई, एंड ये चेक करो, ये है गोधूली लॉज भाई। और एक बार कॉल कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम वगैरह हो चुके, अभी तक नहीं आया यार। हेलो, कहाँ पे हो आप? मैं तो पहुँच गई, आप कहाँ पे? मैं तो उस लॉज के सामने ही हूँ, कौन हो? अच्छा, दिख गया। हेलो, हाँ मुझे भी दिखा। आ जाओ गाइस, सामने आ रहा है, ठीक है। मेरे को तो लगी तो बहुत सुंदर लड़की है यार, प्यारी, समझ गई। आप ही हो ना पूजा ठिकादार? ये देखो, ये पर्स किसका है? ये मेरा है, दो दिन पहले खो गया था। कहाँ पे? वो मैंगो फॉरेस्ट पे, जब मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी। हाँ, वहाँ पे भी गया था, तो मुझे तो लगा मुझे और मिलेगा ही नहीं। अरे नहीं, मैं एक्चुअली इस तरफ नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि सुसु कर लूँ, उसके बाद ये पर्स देखा, मैं फेंक दिया था, उसके बाद गई जाके देखा तो इसमें आपका, आप ही हो, क्योंकि फ़ोटो पे तो ये आप ही शायद से दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे गई देख सकते हो, पूरा सेम ही है। तो ठीक है, फिर ये आपका अमानत, आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे सौंप रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। अरे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी साइड जा रहा था, देन उसके बाद आपका ये पर्स मिल गया तो मैं लौटाने चले आया। तो आप यहाँ पे घर है क्या यहाँ पे आपका? अच्छा ठीक, तो ये मैं छोड़ सकता हूँ यूट्यूब पे? नहीं, कि बाद में आप बोलो कि प्रॉब्लम है कुछ, कोई, चलो ठीक है, फिर चलो फिर मिलते हैं। और ये किसका नंबर है? आपका ही नंबर है क्या? घर का है। अच्छा, हाँ मैंने देखा, वो एक नंबर था, फाइनली एक नंबर था, और मैं तो सोच रही थी कि ये पुलिस को देके चले जाते फिर घर, फिर एक नंबर मैंने देखा, उसके बाद कॉल कर लिया। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं कभी, लड़की को अब मैंने, ठीक है चलो, अपना जो सामान है वो दे दिया हूँ, मेरे को अभी दूसरा काम है भाई, दूसरा एक काम है, तो मैं वो काम फटाफट से निपटाता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, वो लड़की के बाद में ना कॉल आया था, उसके पेरेंट्स ने कॉल किया था, कुछ पैसे के लिए बोल रहा था कि लेके जाओ, देने के लिए शुक्रिया। तो मैंने बोला कोई चक्कर नहीं, ऐसा होता रहता है यार, पैसे के लिए बोल रहा था कुछ लेके जाते, तो मैंने बोला चलो आंटी ठीक है, कोई बात नहीं। चेक करो गाइस, इसका पावर रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है ना, 200 CC में, ये सबसे पहले जो है काफ़ी मेरी पर्सनल पसंद है, ये 200 सेगमेंट में 200 CC बाइक, ड्यूक 200 भाई, एंड ये नया वाला वर्जन है, नया वाला जो मॉडल है। चेक करो गाइस, ये चेक करो, शानदार गाइस, काफ़ी इसको चलाने में क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, काफ़ी शानदार है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। तो चलते हैं अभी घर गाइस, घर जाके मिलते हैं यार, शुरू करते हैं पर एंड हाई। होप आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, स्वस्थ मस्त रहो भाई, एंड धमाकेदार ब्लॉग अभी आने वाला है, तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जिस बात मैं बोल रहा था कि अपनी ओल्ड सिटी को वापस लानी चाहिए या नहीं भाई, या इस ड्यूक को ही रखनी चाहिए, जरूर से गाइस कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट ना भाई, एंड मिलते हैं गाइस और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।